जीवन कोश पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म में शादी के समय बहुत सारे रीति रिवाजों को महत्व दिया जाता है। इन रीति रिवाजों में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग राज्यों और अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से थोड़ा बहुत अपना स्वरूप बदल लेते हैं। खास तौर पर होने वाली दुल्हन की चूड़ियों से जुड़े रिवाज अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। बंगाली शादियों में भी एक ऐसी ही रस्म होती है, दोधी मोंगल। ये रस्म चूड़ियों से जुड़ी हुई होती है। इस रस्म में होने वाली दुल्हन को खास तरह की शाखा पोला चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। बंगाली शादियों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है और इस रस्म से कई रोचक बातें जुड़ी हुई हैं। तो चलिए, आज हम आपको शाखा पोला चूड़ियाँ और दोधी मोंगल रस्म के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। सबसे पहले जानेंगे दोधी मोंगल के बारे में। बंगाली शादियों में दोधी मोंगल रस्म शादी वाले दिन सुबह के वक्त की जाती है। इस दिन सात शादीशुदा औरतें शंख से बने सफ़ेद कंगन को हल्दी मिले पानी में भिगोती हैं और फिर लाल रंग कोरल से बने कंगन के साथ उसे होने वाली दुल्हन को पहना देती हैं। ऐसा माना गया है कि ये दुल्हन की माँ की तरफ से उसे शादी का तोहफा होता है। इस रस्म के बाद दुल्हन को दही खिलाया जाता है। दही खाने के बाद दुल्हन और दुल्हन के माता पिता तब तक उपवास रखते हैं जब तक शादी की सारी रस्में खत्म ना हो जाएं। बात करेंगे अब शाखा पोला के महत्व की। बंगाली शादी में दुल्हन को शाखा पोला कंगन पहनाकर माँ अपनी बेटी को हमेशा सुखी और पति के वंश को आगे बढ़ाने का आशीर्वाद देती है। यहाँ पर शाखा यानी सफ़ेद कंगन को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है और पोला यानी लाल रंग के कंगन को खुशी और वंश बढ़ाने का प्रतीक माना जाता है। इसे पति के लिए पत्नी के प्यार के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। इसीलिए शादी के बाद हर महिला शाखा पोला कंगन हाथों में पहनती है। अगर शाखा पोला की कहानी की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि मछुआरों के पास अपनी बेटी की शादी में देने के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते और ना ही वो उन्हें बहुत महंगे जेवर खरीद कर दे पाते हैं। ऐसे में बहुत समय पहले किसी मछुआरे ने समंदर से शंख और कोरल निकाल कर बेटी को शादी में देने के लिए हाथों के कंगन बनाए थे। तब से इस कंगन को शाखा पोला कहा जाता है। आपको बता दें कि बंगालियों में शाखा पोला कंगन को महिलाओं के शादीशुदा होने की निशानी माना गया है। अब बात करेंगे लोहे के कड़े और उससे जुड़ी परंपरा के बारे में। शाखा पोला कंगन के साथ ही शादीशुदा बंगाली महिलाएं एक लोहे का कड़ा भी पहनती हैं। ये कड़ा वो बाएं हाथ में पहनती हैं और शादी के बाद ये लोहे का कड़ा उनकी सास उन्हें तोहफे में देती है। शाखा पोला कंगन के साथ लोहे का कड़ा पहनने का महत्व इसलिए भी है ताकि नई नवेली दुल्हन को किसी की नजर ना लगे। इसके अलावा भी कई रोचक तथ्य जुड़े हुए हैं शाखा पोला से। जी हाँ, कहा जाता है कि शाखा पोला कंगन पहनाने की रस्म 300 साल पुरानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शाखा पोला कंगन खरीदते वक्त किसी भी तरह का मोल भाव नहीं किया जाता। इसे बहुत अशुभ माना जाता है। शाखा पोला कंगन खरीदने के लिए पत्नी कभी भी अपने पति से पैसे नहीं ले सकती है। इतना ही नहीं, पति के साथ शाखा पोला कंगन भी खरीदने वो नहीं जा सकती। जिस दुकानदार से महिलाएं शाखा पोला कंगन खरीदती हैं उनसे ही वो उस कंगन को पहनती भी हैं और कंगन पहनने के बाद दुकानदार के पैर छूकर उसका आशीर्वाद भी लेती हैं। तो है ना, कितनी मज़ेदार सी जानकारी शाखा पोला कंगन से जुड़ी हुई। उम्मीद करते हैं इस कंगन से जुड़ी ये रोचक सी खास सी जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और ऐसी ही कोई और ख़ास जानकारी जानना चाहते हो किसी ख़ास चीज़ के बारे में आप, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर वो भी ज़रूर बताएं। पर अभी फ़िलहाल इसी जानकारी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जीवन कोश।